नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबर। अशोकनगर, मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री राव ब्रजेंद्र सिंह यादव ने दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में देवी शक्ति की भक्ति स्वरूप नारी शक्ति के सम्मान में एडवोकेट रेखा नामदेव पत्रकार के साड़ौरा स्थित निज निवास पहुंचकर दीपावली की शुभकामनाएं दी और अपने सरल सहज स्वभाव का परिचय देते हुए गुरु जी बलकुराम नामदेव के चरण वंदन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। नामदेव वेद परिवार ने मंत्री ब्रजेंद्र सिंह का आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया। सनातन संस्कृति के परिचायक राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने इस अवसर पर कहा कि मेरा मूल उद्देश्य है कि सभी के घर में विकास का दिया निरंतर प्रज्वलित होता रहे। मातृशक्ति की वंदना करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी माता भारत माता है। भारत माँ की रेखा जैसी बेटियां जहां मौजूद हैं तो निश्चित ही समाज और देश का विकास निरंतर होगा। इसी क्रम में राज्य मंत्री ने रेखा नामदेव पत्रकार के निवास गोविंद आश्रय के निकट स्थित माँ विजयाशन मंदिर पर पूजा अर्चना एवं आराधना की। सर्वप्रथम गोवर्धन की परिक्रमा के अवसर पर गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर दीपावली मिलन कार्यक्रम का प्रारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रतिनिधि गुड्डा महाराज पिपरिया, शिवराम सिंह गुंदार, राजू रघुवंशी सेजी, रमेश सिंह, जितेंद्र सिंह रघुवंशी, जगदीश मोहन नामदेव, राहुल नामदेव, रामकृष्ण सिंह, चंदन नामदेव, दीपेंद्र रघुवंशी, प्रकाश सिंह रघुवंशी, दीनबंधु शर्मा, विवेक शर्मा, विजय सिंह रघुवंशी, सूरज सिंह रघुवंशी, शिवराम नामदेव सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं पत्रकारगण उपस्थित थे। हमारे पत्रकार साथी रामकृष्ण रघुवंशी जी यहाँ स्वागत करें। भाई साहब, ये हमारे पत्रकार भाई हैं रामकृष्ण। अच्छा अच्छा अच्छा, नाम राजू रघुवंशी जी यहाँ स्वागत करें। राजू सेजी में करेगा आप, ये हमारे घर का जिगरी भाई है। कहता हूँ कोई काम जायज है, सही है, अब वो सामने आए ना आए, लगता है ऐसा नहीं है, उतना हम लोगों को भी अनुभव है। ये करते करते अनुभव आ जाता है कि ये आदमी का क्या काम है। अपन समझ सकते हैं कि आपसी लड़ाई बात विवाद है तो उसमें अपन समझते हो सकता कि ये आदमी गलत और अपन से गलत करवाना चाहता है। लेकिन अगर कोई का व्यक्तिगत दूसरा कोई ऐसा काम होता है, नगर तहसीलदार के पास मेरा व्यक्तिगत काम है, पीआई के पास, एसपी के पास, कलेक्टर के पास, किसी विभाग में, तो अपन समझ सकते हैं कि अगर काम हो तो अपन को लगा उसका काम हो जाए। तो मैं तो हमेशा ये प्रयास करता हूँ, कोई भी अगर मेरे पास आता है, कोई भी मेरे से फोन पर बात करता, मेरा हमेशा प्रयास रहता है उसका काम कर सकता। जब भगवान ने मौका दिया है, आज इतने ऊंचे पद पर पहुंचा है, तो अपन भी चाहते हैं कि लोग अपेक्षा किससे करते हैं, अपने से ही करते हैं ना, और वह भी करते हैं। उनको लगता है कि इस व्यक्ति से कहीं भी अपना बात सुनेगा, अपना काम भी करेगा। तो जब आदमी अपेक्षा से आता है तो अपन भी चाहते हैं उसके विश्वास पर अपन खड़ा उतरे, उसकी अपेक्षाओं पर अपन खड़ा उतरे। और भगवान ने जितना समय दिया तो जनता की सेवा तो करना है भाई, जितनी जनता की सेवा कर ले, कहते हैं सेवा करो मेवा मिले, सेवा कर रहे हैं तो मेवा मिल रही है। मैं तो हमेशा, हालांकि रेखा पहल से ही हमने जब किसान कांग्रेस में राजनीति में आया था उसी समय से, जब सब पार्टी के ऊपर एक साथ में रहे उसी समय से मेरा मिलना हुआ, बातचीत करना हुआ। रेखा का काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करती है और ईमानदारी से काम करती है, जिसके लिए भी करे ईमानदारी से करती है और वही काम होता है जो व्यक्ति ईमानदारी से करता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका केवल तारीफ करते रहेंगे और पता चले कि पीछे कुछ छोड़ा भोगने वाला काम करते हैं, बुराई भी करते हैं, लेकिन ऐसी नहीं है। वो दिल बहुत साफ है और जो कहना है वो का कहना है, जो कहना सही कहना है। तो मैं पुनः आप सबको फिर पूरा बने की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मैं इस वर्ष से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान मेरे क्षेत्र में, मेरे जिले में, मेरे प्रदेश में,
जैसा दीप जल रहा है, इसी तरह सबके घरों में हमेशा दीपों की रोशनी हमेशा जगमगाती रहे, हमेशा दीप जलते रहे। और मेरे क्षेत्र के लोगों को, मेरे जिले के लोगों को मैं अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी सुखी रहे, खुशी रहे, स्वस्थ रहे, बस यही मैं कामना करता हूँ। आशीर्वाद और इसने उसे प्राप्त है। जिस जगह आप हम सभी लोग उपस्थित हैं, इसी तट पर श्रीमंत महाराज साहब ने यहीं बैठकर ये कहा था कि गुरुजी रेखा की चिंता ना करें, मैं हूँ। उसी तालमेल में, उसी तारतम्य में आज हमारे राव साहब हमारे बीच मौजूद हैं और उन्हें सब कोई पहचानते हैं कि श्रीमंत महाराज साहब की श्रृंखला में, चाहत की माला में वो एक सुमेर के रूप में उनका परिवार हमेशा रहा है। मैंने नज़दीक से देखा है, मेरी मुलाकात भले उनसे न हुई हो, लेकिन एक सुमेर के रूप में, माला के सुमेर के रूप में श्रीमंत महाराज साहब के पारिवारिक व्यक्ति हैं, रहे हैं। इस श्रृंखला में मैं बस एक पिता की हैसियत से इतना कहना चाहूँगा कि आज हमारी रेखा है वो आप सबके शासकीय सेवा को छोड़कर इस समाज सेवा में संलग्न हुई है, तो आप जैसे लोगों के आशीर्वाद और स्नेह से वो बहुत हृदया आकांक्षी है कि वो एक ऐसी लता है, इस लता को, बेल को संचित करने के लिए एक महान व्यक्तित्व और प्रेमी स्नेही व्यक्ति।
खबर समय जगत के लिए अशोक नगर से ब्यूरो चीफ रेखा नामदेव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।